आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन इज लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन इक्वल टू टी एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डिनोट्स द दे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी द इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वन प्लस एक्स प्लस में अल्फा स्क्वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड में टू मल्टीप्लाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वल टू अल्फा माइनस फोर बाई थ्री इज तो हमें बताना है अल्फा माइनस फोर बाई थ्री की वैल्यू ठीक है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है एक्स को हम क्या लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यहाँ पे लिमिट देखते हैं और इसको एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ठीक है तो यहाँ पे हमारा फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो इसके जगह क्या लिख देंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजियर ऑफ एक्स माइनस में वन डिवाइडेड में डिवाइडेड में क्या आएगा हमारा टू मल्टीप्लाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स टू मल्टीप्लाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ठीक है तो हमारा फंक्शन क्या बना इसको सॉल्व करने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन प्लस एक्स प्लस में अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड में डिवाइडेड में टू मल्टीप्लाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो यहाँ क्या बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स ठीक है तो यहाँ पे क्या करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वन माइनस समथिंग एक में से एक में से कुछ गया और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा जीरो ठीक है प्लस में अल्फा की पावर एक्स यानी कि जीरो माइनस एच तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा जीरो में से कुछ गया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा माइनस वन तो ये ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वन और यहाँ पे जीरो माइनस एच फिर से जीरो में से कुछ और गया तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू ठीक है डिवाइडेड में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अब यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में जीरो माइनस समथिंग तो यहाँ पे कितना आ गया फिर से माइनस वन तो नीचे बनेगा एक्स माइनस वन तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे अल्फ़ा की पावर माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड में माइनस वन ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन बाय अल्फा माइनस टू डिवाइडेड में माइनस वन डिवाइडेड में माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू माइनस वन बाय अल्फा ठीक है अब टू माइनस वन बाय अल्फा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है वो अल्फ़ा माइनस फोर बाय थ्री अल्फा माइनस फोर बाय थ्री ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारी क्वारेटिक इक्वेशन बन जाएगी ठीक है तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टू अल्फा माइनस वन दैट इज इक्वल टू थ्री अल्फा माइनस फोर और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे थ्री से और इसको किससे कर देंगे अल्फा से ठीक है तो यहाँ आ गया थ्री अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा और यह हो गया सिक्स अल्फा तो इस तरफ आएगा तो कितना हो गया कि माइनस में टेन अल्फा प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में नाइन अल्फा माइनस में अल्फ़ा प्लस में थ्री दैट इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो थ्री अल्फा कॉमन आ गया हमारा यहाँ पे कितना बचा अल्फा माइनस थ्री माइनस वन यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ कितना बचा अल्फा माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू ज़ीरो तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई वन बाई थ्री और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी थ्री बट हमें क्या चाहिए इंटीग्रल वैल्यू चाहिए